हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीडी पिक्चर्स। एंड गाइस, आज की रीटिंग होली कॉन्सेप्ट पे होने वाली है। एंड गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आज की रीटिंग कितनी मस्त हुई है। सो गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप इस टैप में रीटिंग कैसे कर सकते हो। सो गाइस, इसमें जो भी बैकग्राउंड एनपीएनजी यूज होगा, आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स डू इट। सो गाइस, आपको सिंपली पिक्सआर्ट को ओपन करना है एंड बैकग्राउंड को कर लेना है ऐड। सो मैंने बैकग्राउंड ऐड करके रखा है एंड सिंपली जाना है हमें ऐड फोटो में और अपने कटआउट को ऐड कर लेना है। सो मैंने पहले इसका कटआउट करके रखा था क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। अगर आपको पता है नहीं कि बैकग्राउंड कैसे रेस किया जाता है, तो मैंने पहले उस टॉपिक पर वीडियो बना के रखा है। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सिंपली कटआउट को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ओके, इस टाइप में ऐसा लगे कि कलर नीचे से आना चाहिए हमें एंड इतना ठीक है अभी। एंड सिंपली राइट पे क्लिक कर देंगे। ओके, एंड इतना करने के बाद हम सिंपली फिर से एक फ़ोटो में जाएंगे एंड इस वाले पीएनजी को ले लेंगे जो मैंने आप लोग के लिए बना के रखा है। एंड सिंपली यहाँ पे बड़ा करके इस टाइप में यहाँ पे लगा देंगे। देख सकते हो लग चुका है। एंड सिंपली राइट पे क्लिक कर देंगे। ओके, एंड फिर से जाएंगे एट फोटो में एंड अपने फिर से एक ये पीएनजी को ले लेंगे एंड इसे हम अपने शर्ट पे लगाएंगे यहाँ पे रोटेट करके कुछ इस टाइप में। एंड ये भी सही है, सिंपली राइट पे क्लिक कर देंगे एंड फिर से जाएंगे एट फोटो में एंड इस वाले कलर को ले लेंगे और इसको लगाएंगे अपने गाल पे। तो जूम कर लेंगे, यहाँ पे लगाना है कुछ इस टाइप में। जो एक्स्ट्रा आ रहा है पार्ट, इसको इरेज कर सकते हैं हम जूम करके, साइड साइड से इरेज कर देंगे। ओके, देखते हैं अब एंड सही लग रहा है। थोड़ा सा रोटेट करेंगे एंड ऊपर लग सारा हाईलाइट लग रहा है, तो थोड़ा सा और इरेज करेंगे ये। एंड अब सही है, एंड अब देख सकते हो एंड सिंपली राइट पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो गाइस, इसमें एक होली पीएनजी लगाना है, तो फिर से जाएंगे एड फोटो में एंड होली पीएनजी को ले लेंगे ये रहा, एंड सिंपली यहाँ पे लगा देंगे नीचे में इस टाइप में। तो ज़्यादा ही हाईलाइट लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देंगे साइड साइड से। ओके, इस टाइप में। देख सकते हो आप सही लग रहा है, सिंपली राइट पे क्लिक कर देंगे एंड कर देंगे इस फोटो को सेव। एंड चलते लाइट रूम में, थोड़ा सा वहाँ पे कलर रिटचिंग करेंगे फोटो को। सो गाइस, हम आ चुके हैं लाइट रूम में एंड हमें यहाँ पे जो फर्स्ट ऑल करना होगा, सन के आइकन पे क्लिक करना है एंड थोड़ा सा शेडो को बढ़ाना है। ओके, एंड थोड़ा सा वाइट को भी बढ़ा देंगे। ओके, एंड सिंपली कलर में जाएंगे, मिक्स में जाएंगे एंड रेड में जाके थोड़ा सा लुमिनेंस को बढ़ाएंगे। अगर आपको फेस में ग्लो चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो एंड अदरवाइज सब ठीक है। एंड सिंपली डन पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे क्लैरिटी ऑप्शन में एंड क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड थोड़ा सा विग्नेट को कम करेंगे यहाँ पे, वो ठीक है। एंड सिंपली नीचे आएंगे शार्पनेस को ऑप्शन में एंड शार्पनेस को बढ़ा देंगे यहाँ पे 67 या 71 रखा है मैंने। एंड नॉइज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड थोड़ा सा मास्किंग एंड डिटेल एंड थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एंड थोड़ा सा कलर नॉइज भी बढ़ाएंगे एंड थोड़ा सा डिटेल बढ़ाएंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा हो चुका है हमारा लाइट रूम में एडिटिंग। एंड देख सकते हो बिफोर कैसा था, डल था थोड़ा एंड यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग हो गया है। सो कितना मस्त एडिटिंग, आप देख सकते हो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो गाइस, इस फोटो कर देंगे अपने डिवाइस में सेव। सो सेव टू डिवाइस
एंड गैस अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग पार्ट लगा होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।